गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी ग्रामर का सिलेबस चल रहा है, जिसमें से आप नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हो। और आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वर्ब। टॉपिक क्या है हमारा आज का? वर्ब, जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब क्या होती है? व्हाट इज अ वर्ब? ए वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब यानी ए वर्ब इज ए वर्ड, एक जो क्रिया होती है वो एक शब्द होता है दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है या बताता है या व्याख्या करता है एन एक्शन, एक एक्शन की, एन इवेंट किसी घटना की, और ए स्टेट ऑफ बीइंग और किसी की स्थिति बताता है कि वो किस सिचुएशन में है। तो ये एक वर्ब जो होती है वो हमें डिस्क्राइब करती है। ए वर्ड इज वर्ड दैट डिस्क्राइब अस अबाउट एन इवेंट, एन एक्शन और एन स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी की स्थिति को दर्शाती है। तो यहाँ पर वर्ब का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जब किसी के द्वारा किए गए किसी काम को, उसकी स्थिति को, किसी घटना को दर्शाया जाता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर आपके सिलेबस में ओनली आपको वर्ब्स के इरेगुलर और रेगुलर फॉर्म के बारे में बताया गया है, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले वर्ब्स के बारे में पूरी तरह से जानना आपको जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर जो इज दिया हुआ है, ही इज ए डॉक्टर, तो इज यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है जो कि क्या बता रही है यहाँ पर? यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग से स्थिति बता रही है कि वो कौन है, वो एक डॉक्टर है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रही है कि वो क्या है? एक डॉक्टर है। नेक्स्ट देखिए, सी स्पीक्स लाउडली, तो वो कैसे बोलता है भाई? सी स्पीक्स लाउडली, वह बहुत ही लाउडली बोलती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक वर्ड दिया हुआ है लाउडली, स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, किसी काम को करना या होना। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया, आपको बताया भी गया है कि स्टेट क्या बताती है हमें? स्टेट बताती है, एक्शन बताती है और इवेंट बताती है। तो यहाँ पर स्पीक्स क्या है? यहाँ पर एक एक्शन है, एक्शन के बारे में बताया गया है कि उसका बोलना कैसा है, बहुत तेज लाउडली बोलती है। तो यहाँ पर वर्ब का मीनिंग क्या है? स्टेट एंड एक्शन से। स्टेट का मीन्स क्या होता है? विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ सिचुएशन, जो कि हमें डिस्क्राइब करती है, बताती है सिचुएशन के बारे में, ठीक है। एंड एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है हमारा? एक्शन मीन्स होता है फिजिकल एक्शन से, लाफिंग, क्राइंग, ठीक है, जंपिंग, हिटिंग, किकिंग, ये हमारे क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि जो स्टेटिव वर्ड्स होते हैं, हम स्टेट को स्टेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं और एक्शन को हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं। वर्ब्स के रूप के बारे में यदि हम काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करें, यहाँ पर वर्ब्स के अलग अलग प्रकार को डिफाइन करें, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा स्टेट। स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन, एक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एक्शन को हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दूं, आई हैव अ बिग फैमिली, ये क्या बता रहे हैं हमें इसके बारे में? ये क्या हमें किसी काम के करने के बारे में बता रहा है? आई हैव अ बिग फैमिली, ये हमें किसी काम का करना या होना नहीं बता रहे है। ये एक भाई यहाँ बता रहे हैं कि उसकी फैमिली की सिचुएशन बता रहे हैं। वो कैसी फैमिली? एक बिग फैमिली, उसका परिवार बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ये वर्ब का कौन सा रूप हो रहा है? यहाँ पर आई हैव से कौन सा रूप डिफाइन किया जा रहा है? ये हमारे बताया जा रहा है स्टेटिव, यानी स्टेट बताई जा रही है। और फर्स्ट इससे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा था सी स्पीक्स लाउडली, तो यहाँ पर स्पीक्स जो वर्ब थी वो बता रही है कि कैसे बोली जा रही है, वो लाउडली बोली जा रही है। और एक यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बेटा, जो स्टेटिव वर्ड्स होते हैं हम उनमें कभी भी आई एन जी का यूज नहीं करते।
जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, लाफिंग, रनिंग, स्पीकिंग, वॉचिंग, तो जो हमारे फिजिकल एक्शंस को दर्शाते हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनमें हम आई एन जी का यूज करते हैं, और लेकिन जो हमारे स्टेटिव वर्ड्स होते हैं उनमें हम कभी भी आई एन जी का यूज नहीं करते हैं स्टेटिव वर्ड्स में. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ एन स्टेट एंड एक्शन. एक्शन मीन्स विच इज रिलेटेड टू अवर फिजिकल एक्टिविटी, एंड स्टेट विच शो द ओनली सिचुएशन. स्टेट क्या दिखाएगी? ओनली सिचुएशन दिखाएगी. और एक्शन क्या दिखाएगा? हमारे फिजिकल एक्शन को शो करेगा. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके थ्रू हमने जो वर्ब है उसके फर्स्ट जो टाइप है एक्शन और स्टेटिव उसको एक्सप्लेन कर लिया है. अब यहाँ पर एक बार आप देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर आर टू टाइप, टू काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी टू टाइप्स ऑफ वर्ब. यहाँ पर दो तरह की वर्ब होती है. आपने पढ़ी है एक फिनिट वर्ब पढ़ी है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी है. देखिए फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है विच वर्ब चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ पर्सन, अ नंबर और टेंस. एक वर्ब जो कि सेंटेंस में यूज हुए पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती है वो होती है हमारे फाइनाइट वर्ब. और जो अपने आप को चेंज नहीं करती है, जिसके ऊपर नंबर, पर्सन और टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब. एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा. हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, आई होप आप सभी को स्टेटिव और एक्शन वर्ब जो वर्ब है उनके बारे में समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है आपको कि is reading a book. अब देखिए, he सब्जेक्ट है, is यहाँ पर एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है. ठीक है, ये हमारी एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और रीडिंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है इस सेंटेंस की. तो यहाँ पर देखिए, he is reading a book. तो यहाँ पर जो ये इज है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी एक फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर इज ही की जगह पर यू कर देते हैं तो इज की जगह पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. इज की जगह पर क्या यूज होगा? आर. और रीडिंग का क्या रहेगा? रीडिंग ही रहेगा, ए बुक. तो इस हिसाब से आपने देखा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के जो पर्सन है, जैसे हमने यहाँ पर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर लिया है, पर्सन नंबर का भी इफेक्ट पड़ रहा है. सिंगुलर है, ही है, तो इज हुई है. और यहाँ पर ही की जगह पर यदि यू आ गया है तो यही हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज हो गई? आर में. तो यानी इस पर इस पर्सन का फर्क पड़ा है, पर्सन का फर्क पड़ रहा है, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है. और यदि यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग भी इस वर्ब पर फर्क पड़ेगा. है तो यहाँ वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रही है. तो यहाँ पर ही, इज और आर, ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई है? ये हमारी हो गई है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इनके ऊपर नंबर और पर्सन का इफेक्ट पड़ रहा है. और जबकि जो रीडिंग है इस पर नंबर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है. आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का अंतर समझ में आ गया होगा. तो बेटा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए जो फाइनाइट वर्ब है हमारी, जो फाइनाइट वर्ब है वो यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई है. फाइनाइट वर्ब के थ्री पार्ट्स होते हैं. एक प्रिंसिपल होता है, एक लिंकिंग होता है, एक एक्सिलरी होता है. तो जो एक्सिलरी फॉर्म होती है, एक्सिलरी फॉर्म को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है. यानी आप जब वर्ब को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा. और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसको यहाँ पर देखिए थ्री पार्ट्स बताए गए हैं इसका. फर्स्ट पार्ट है इन्फिनिटिव, सेकेंड पार्ट है जिलेंड, और थर्ड पार्ट है पार्टिसिपेंट. तो यहाँ पर आपने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस को पढ़ लिया था.
A word which is changed its form according to the number person or tense is called the finite verb, and a verb that was not affected by the person, tense or number of a sentence is called non-finite verb. And here is three types of finite verb. First is participle, lengthening and auxiliary verb. And auxiliary verb is also have two parts. First is primary auxiliary verb and second is modal auxiliary verb. Or here non-finite verb is also divided into three parts. First infinitive, second gerund and third participle. तो इन शॉर्ट में इनका हम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार. देखिए स्टेटिव और एक्शन वर्ब के बारे में आपने डिफरेंसेस के बारे में जान लिया है. अब हम बताते हैं मेन और हेल्पिंग वर्ब जो कि हमने यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब पढ़ी है. जो एक्सिलरी वर्ब होती है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो तरह की होती है. एक जो हमारी होती है मेन प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और सेकेंड होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब. तो जो हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है वो है हमारी बी और डू और हैव. अब बी के प्रेजेंट में यदि हम प्रेजेंट फॉर्म ले बी की तो इज, एम और आर. और यदि हम इसकी पास्ट फॉर्म लेते हैं बी की तो ये हो जाती है वाज और वर. समझ में आ गया है. डू का यदि हम प्रेजेंट में लेते हैं तो आपने हमेशा देखा है आप डू या डज यूज करते हो प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और यदि पास्ट में लेंगे तो इसका वर्ब की कौन सा रूप आ जाएगा, डिड आएगा. ऐसे ही हैज और हैव है तो प्रेजेंट में यदि हम लेते हैं तो हैज और हैव का यूज करते हैं. और पास्ट में यदि हम हैव के रूप को लेंगे तो वो क्या जाएगा, वो हो जाएगा हैड. और ये होती है हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो कि हमेशा एज एन हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज होती हैं. और ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एक सेंटेंस बताऊं कि इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर. तो यहाँ पर इज राइटिंग ए लेटर ही में यहाँ पर इज मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है. और राइटिंग इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जिसकी जिसकी हेल्प कौन कर रही है, इज, इसकी हेल्प से इसका पूरा मीनिंग आ रहा है. तो यहाँ पर इज हमारी कौन सी वर्ब है, इज हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. ऐसे ही यदि हम इसी सेंटेंस को हम पास्ट फॉर्म में लेते हैं तो जैसे कि आपने देखा ही भी है कि जब हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. तो डू यदि हम ही डू हिज वर्क और इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना वर्क किया, तो उसने अपना काम समय पर किया, पास्ट के बारे में बताया है. और यहाँ पर जो हैव है ये इज डू डज, ये हम तीनों सेंटेंसेस में सिंपल में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको यूज. जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर. और यदि हम इसको को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही राइटिंग ए लेटर. तो ये जो हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है. और यहाँ पर हैव, जैसे कि हैव है उसको हम एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब भी यूज करते हैं. जैसे आई हैव ए कार, यहाँ पर हैव एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है. यहाँ पर हैव अपने आप में क्या हो रही है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब हो रही है यूज. और यदि मैं यहाँ पर इसको हम चेंज करके लिखें जैसे कि वी हैव तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी एक्सिलरी वर्ब. कौन सी एक्सिलरी वर्ब, वी हैव डन अवर वर्ब.
हम अपना काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये सेंटेंस की मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है, जबकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? डन। तो आपको समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में आखिरकार डिफरेंसेस क्या क्या है, कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है और मेन वर्ब किसे कहा जाता है। अब आते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के, जो कि आपके सिलेबस में है बेटा। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का डिफरेंसेस जानने के लिए आपको लोट ऑफ एक्सपीरियंस, लोट ऑफ बुक्स रीड करनी होगी, जिसके बाद आपको पता चलेगा कौन सी रेगुलर वर्ब होती है, कौन सी इरेगुलर वर्ब होती है। लेकिन मैं एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंसेस कैसे करते हैं। आपको पता है वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? वैसे तो आपने थ्री फॉर्म ही पढ़ी है, जैसे कि एक आपने पढ़ी है इन्फिनिटिव, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी प्रेजेंट, ठीक है। फिर आती है हमारी पास्ट, फिर आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में हमारी कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। तो टोटल कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4 और 5 फॉर्म में यूज हो रही है। कोई भी वर्ब होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? 5 फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेस फॉर्म में आप लगा लीजिए कुक, कुक हमारी वर्ब है। अब आप इसको प्रेजेंट में यूज करते हो तो क्या यूज करते हो? कुक या कुक्स, सिंगुलर्स के साथ कुक, सॉरी प्लूरल्स के साथ कुक, और जो सिंगुलर्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यानी कुक्स। और पास्ट में कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कुक। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कुक। और यदि आप इसको आईएनजी जेरेंट फॉर्म में यूज करते हो तो क्या हो जाती है? ऐसे ही आपने लिया, अब डू लगा लीजिए, आपने डू लिया है वर्ब के फॉर्म, हमने ले ली डू। अब प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? डू या फिर डू के साथ एस या एस, डज यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म क्या होती है डू की? डू डिड। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होती है? डन, did, then। और यदि हम ing फॉर्म में लेते हैं, उसको gerund फॉर्म में लेते हैं, तो वहां क्या आएंगे आपकी? doing। तो helping verb को आप इस फॉर्म में ऐसे यूज कर सकते हैं। और रेगुलर फॉर्म, जैसे आप पढ़ते हो वर्क, वर्क के बाद आप सेकेंड फॉर्म में उसके क्या लगाते हो? worked, worked, और थर्ड फॉर्म में भी वर्क लगाते हो। जैसे कि आप पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, तो जहां पर ईडी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा रहे हो वो आपकी रेगुलर फॉर्म में आएगी। और जहां पर तीनों फॉर्म जैसे कि डू डिड डन, राइट रोट रिटर्न, ये जहां पर भी जो वर्ब के तीनों फॉर्म में प्रेजेंट में सॉरी पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी अलग अलग फॉर्म दिखाई देती है, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, तो वो होती है हमारी इररेगुलर फॉर्म। और लास्ट है हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसे कि मैं लिख दूं आपको, राधा रीड्स ए बुक, प्लांट्स ग्रो। अब देखें, राधा रीड्स ए बुक, अब इसमें राधा और रीड ओनली हम इतने सेंटेंस को ले, राधा रीड, राधा रीड्स, राधा पढ़ती, अब पढ़ती है, अब इसके क्या कोई कंप्लीट सेंस आ रही है? नहीं आ रही है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, एक नाउन ऑब्जेक्ट की, नाउन या प्रोनाउन जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसका पूरा मीनिंग निकलता है। और जो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे कि प्लांट्स ग्रो, पौधे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी सेंस आ रही है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की
सहायता की जरूरत या किसी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने सारी वर्ब्स के बारे में, वर्ब सबसे पहले वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन इवेंट, एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आपने पढ़ा है जो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिन पर की पर्सन, नंबर और टेंस का इफेक्ट पड़ता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिन पर पर्सन, टेंस और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी समझा, अब यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स बताए हैं, पार्टिसिपल, लिंकिंग और एक्सिलरी। और यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्सिलरी वर्ब है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है वो है प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, जो कि एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बी, डू और हेल्प। बी की प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। डू की प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड, और हैव के प्रेजेंट में हैज हैव और पास्ट में हैड यूज होती है। तो इसके बाद आते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल एक ऐसी एक्सिलरी वर्ब होती है जो मूड को शो करती है, जो पर्सन जो बोल रहा है उसके एटीट्यूड को शो करती है, बोलती है, बताती है। तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बात आती है, जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपको लर्न करनी है, जिनको आप लर्न करोगे तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा वर्ब्स के कि कहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड यूज करनी है, थर्ड। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम जब लर्न करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस फॉर्म की, किस बेस फॉर्म की कौन सी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और ये मैंने आपको बताया है, या रेगुलर वर्ब को पहचानने का आसान सा तरीका है, जिन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा होता है वो रेगुलर होती है, जिनमें प्रेजेंट सॉरी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म में अलग अलग रूप होता है एक वर्ब का, वो हमारी इरेगुलर फॉर्म होती है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में जाना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें हमें वर्ब के जो मीनिंग है उसको डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो इसका बिना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के कोई मतलब नहीं निकलता। और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ी है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब या किसी भी कॉम्प्लीमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर वर्ब को शो करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सभी। तो अब हमें वर्ब्स के जो रूप लर्न करने हैं, जिस तरीके से यहाँ पे 3 फॉर्म दी हुई है, जैसे मैंने आपको पूरी ओपनली 5 फॉर्म देखे, इन्फिनेटिव यहाँ पर जो नॉन फाइनेंस वर्ब का रूप इन्फिनेटिव दिया था, तो इन्फिनेटिव हमारी बेस फॉर्म है जो कि 2 के साथ लगती है, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होती है, ये बेस फॉर्म बोली जाती है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपको पता ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पढ़े हैं उसमें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, तो ये तीनों आपने पढ़े हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज होगी, पास्ट में क्या होगी और पास्ट पार्टिसिपल में। इसके बाद ये आईएनजी जिरंड के रूप में, यहाँ हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों रूपों को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। आई होप आप सभी को वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वर्ब किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का, जिससे हमें पता चलता है, वर्ड दैट डिस्क्राइब एन इवेंट एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ, ये के दो तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो इस पर इफेक्ट पड़ता है पर्सन, नंबर और टेंस का, और नॉन फाइनाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद एक्सिलरी वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारी 3 तरह की होती है, इसमें हमें बताया भी गया है, जो प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब और जो लिंकिंग वर्ड और एक्सिलरी, हमें मेन पढ़नी है एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हमारी फॉर्म आती है बी की, डू की और हेल्प की, और मॉडल्स आपको पता ही है जो होते हैं, जो कि हमारे मूड को शो करते हैं। इसके बाद रेगुलर इरेगुलर, और इसके बाद ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। आई होप आपको वर्ब का चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे सिलेबस में 6th के सिलेबस में बेटा ओनली जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव या रेगुलर इरेगुलर फॉर्म के बारे में बताया गया है, डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है जिससे कि आपको क्लियर हो गए इस वर्ब का। ओके बेटा, सभी बच्चे घर पर रीडिंग करेंगे और कुछ वर्ब्स मैं आपको दूंगी वो लर्न करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।